रिमेन लेट, तो पार्ट बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको कुछ इस तरीके से दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। एक सर्किट आपको ऐसा गिवन है और ये देखिए एक स्विच यहां पे भी लगा रखा है, ये ऐसा। ओके, दिस इज स्विच टू, दिस इज लैम्प ए एंड अनदर लैम्प बी इज कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस। And there is a potential difference of V. There is another switch here named S1. ये ऐसा एक सर्किट है। अब क्वेश्चन सुनिए, पूछा जा रहा है कि which of the following statement is correct? When switch S1, S2 are closed, lamps A and B are lit. हाँ भाई, when number one सुनिए, when S1 and S2 are closed, मतलब switch one और two दोनों close करोगे तो lamps A and B are lit, okay? इसको अगर आप close कर देंगे और इसको भी close कर देंगे तो A और B glow कर जाते हैं, ये पहला option। दूसरा सुनिए, with S1 open and S2 close, S1 अगर open हो और S2 अगर close हो, okay? A is lit and B is not lit, ठीक है? तो S1 open है और S2 closed है, okay? S1 open, S2 closed, तो इसको close कर दीजिए, ठीक है? जब ये देखिए यहाँ तो battery लगे, यहाँ से current ही नहीं आएगा, तो A तो जल ही नहीं सकता, A कहाँ से जलेगा, okay? तो ये option भी नहीं होगा, इन्होंने बोला A and B lit, A is lit and B is not lit, ऐसा बोला था। और मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल आपको दिख रहा है, S2 लगाने का कोई मतलब नहीं है, ओके? बिकॉज़ आपको पता है स्विच कैसे लगाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में नहीं लगाते हैं स्विच। ये स्विच कैसा लगा हुआ है, पैरेलल में, ठीक है? तो स्विच आपको कैसा लगाना चाहिए था, सीरीज में लगाना चाहिए था। तो ये बेवजह लगा हुआ है S2, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए विद S2 ओपन, S2 ओपन एंड S1 closed, bulb A and B are lit, okay? देखिए ये open रहने दो, आप इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, ये open का मतलब हटा ही दो ना, open का मतलब जो connect ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और इसको आप ऐसा क्लोज कर दो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से करंट आएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी, दोनों ग्लो करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, questions based on high order thinking, Lakshmi Singh, phase number 48, question number 14, part 1, draw a circuit diagram showing two lamps, one cell and a switch connected in series, okay? तो आप देख सकते हैं, two lamps लेने हैं हमको, तो ये two lamps ले रहा हूं मैं, okay? connected in series, ओके यहां पे हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे प्लस माइनस, और एक स्विच भी हमको चाहिए, तो ये हमने ऐसा स्विच एक लगा दिया एंड द सर्किट इज कंप्लीट। पार्ट बी, हाउ कैन यू चेंज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प। हाँ भाई बताइए, इन दोनों की आप ब्राइटनेस कैसे चेंज करेंगे? याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्राइटनेस की बात करेगा, ब्राइटनेस की बात करेगा तो आप उसको किससे रिलेट करोगे, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस से, ओके? तो अभी देखिए अगर यहां का V है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ V/2, थोड़ा सा इसमें ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें, और दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम होंगे तो ड्रॉप सेम होगा, V/2, बिकॉज V/2 + V/2 विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय बैटरी, ओके? तो सोचिए अभी इसको पोटेंशियल डिफरेंस कम मिल रहा है कि ज्यादा सीरीज में, कम मिल रहा है, इसको भी इसको भी, तो ये ब्राइट नहीं हुआ। ब्राइट करने के लिए क्या करोगे आप, ये सीरीज में क्या करोगे आप, पैरेलल में कर दोगे, ओके? तो आंसर आएगा सेकंड पार्ट का इसका, कि बाय चेंजिंग देम इन पैरेलल, तो पार्ट टू होगा बाय, अगर आपको मोर ब्राइटनेस चाहिए तो बाय चेंजिंग देम इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में लगा के देख लीजिए, ये देखिए ये ऐसा, ये स्विच हो गया,
या फिर ऐसा हम इसको कर लेते हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये फर्स्ट लैंप है एंड दिस इज सेकेंड लैंप, ओके दिस इज वी. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट बल्ब इज वी, अक्रॉस द सेकेंड बल्ब इज ऑल्सो वी, है ना. तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस v बाय 2 से बढ़ के कितना हो गया v, इसका भी कितना हो गया v, तो ये कैसे हो जाएंगे ब्राइट. ऐसा हम कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं, या अगर आपको अलग अलग सर्किट्स के लिए स्विच लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, अलग अलग बल्ब्स के लिए भी आप स्विच लगा सकते हो. ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल लाइट बल्ब्स ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस. ओके, तो ये आपको ऐसा एक सर्किट गिवन होगा, ए बी एंड हियर इट इज सी, तो देयर आर थ्री लैंप्स ए बी एंड सी. ओके, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी and the bulbs are identical, it is given in question of constant resistance. Okay, sare bulbs identical hai, inka resistance same hai, to assume kar lijiye, let us say that the resistance of a is equals to resistance of b is equals to resistance of c and that will be equal to r. to iska bhi resistance r, iska bhi r, iska bhi r, why? because the bulbs are identical. ओके क्वेश्चन वन सुनिए, लिस्ट ऑल द बल्ब्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस. लिस्ट ऑल द बल्ब्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस. इंक्रीजिंग ब्राइटनेस, फिर से ब्राइटनेस किस पर रिलेट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके तो देखिए, ये V है, थोड़ा सा पोटेंशियल यहां, ये V है, तो ये यहां से लेके यहां तक A, इसका नाम रख देते पॉइंट एम एन, तो एम एन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितना बैटरी का होगा. ओके, तो सी का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी, और ए और बी का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी. अब देखिए, ये वी कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, दो, और दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वी बाय टू, और बी का भी कितना होगा वी बाय टू. क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं सीरीज में, बस इतने में लिखिए ना, ये दोनों तो सीरीज में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है. और पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच कितना जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना है v, तो इसका v by 2, इसका v by 2. ओके, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डिक्रीज हो गया, इसका डिक्रीज, बट सेम है, तो a और b का ब्राइटनेस क्या होगा, सेम, क्योंकि ब्राइटनेस को आप किस से रिलेट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस से. ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे, brightness of A and B is same. ओके, और सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, C, and C is brighter. Why C is brighter? Because C के across potential difference कितना, उतना जितना बैटरी का, तो केवल V है. ठीक है ना, तो C का potential difference V ज्यादा है A और B के comparison में, तो C will be brighter. Part 2. If C burns out, what will be the brightness of A? Now compared with before. ठीक है, अगर C burn हो जाता है, okay? C अगर burn हो जाता है, तो C को burn कर दो भाई. लो, ये खराब हो गया. खराब होने का क्या मतलब है? ही नहीं सर्किट में, हटा दिया मैंने. ठीक है, अब देखिए A और B की brightness पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, A की brightness पे क्या फर्क पड़ेगा पहले के comparison? तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखिए, ये अभी दोनों A और B किससे कनेक्टेड हैं, बैटरी से, और दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में. ओके, तो ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, V, इसका इसका रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेम, V by 2, V by 2. ओके, तो अभी भी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V by 2, तो ब्राइटनेस विल बी सेम. ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें पार्ट बी में, 15 के पार्ट बी में, brightness of A will be same. Next सुनिए, if B burns out instead, okay, तो वापस C को लगा देते हैं भाई.
इसका नेक्स्ट पार्ट सुनिए। इफ बी बर्न्स, अगर बी बर्न हो जाता है, ठीक है, तो ये देखिए बी बर्न हो गया तो उसको हटाई दो आप, ये अब यहां नहीं है, तो क्या होगा? What will be brightness of A and C compared with before? ठीक है, तो C की brightness और A की brightness पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई A की तो brightness का सवाल ही नहीं उठता है, क्यों? A तो glowing नहीं होगा। देखिए यहाँ से circuit break हो गया ना, B अगर burn हो गया, तो A will not glow. In this case, A will not glow and C की brightness पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि C के across अभी भी potential difference कितना है? Capital V, okay? तो हम आंसर दे सकते हैं ए गोज आउट एंड सी रिमेंस द सेम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, हाउ डू यू थिंक ब्राइटनेस ऑफ टू लैंप्स अरेंज इन पैरेलल कंपेयर्ड विद द ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स अरेंज इन सीरीज हैविंग वन सेल। हाँ, तो सिंपल है, आपको पता है, बोला जा रहा है एक बार ब्राइट, देखिए मैं सर्किट बना के इसको बताता हूं, टू लैंप्स हैं, वन टू, ठीक है, फर्स्ट टाइम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सेकंड टाइम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो आप ब्राइटनेस के बारे में क्या कह सकते हैं? यस, पैरेलल में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, क्यों? तो ब्राइटनेस इन पैरेलल विल मोर, व्हाई? बिकॉज पैरेलल में रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। या आप और अच्छा आंसर दे सकते हो, देखिए ब्राइटनेस को आपको इससे रिलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V, और इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और अगर बल्ब आइडेंटिकल होंगे तो इसमें V1 का वैल्यू क्या होगा? V by 2, और V2 का वैल्यू क्या होगा? V by 2. तो आप देख रहे हो इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V by 2 है, जो कि V से क्या है? कम, और यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, तो ये ब्राइटनेस पैरेलल में ज्यादा होगी। तो उसका आंसर आप दे सकते हो कि पैरेलल में दोनों बल्ब्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसलिए उनके वर्किंग के लिए उन्हें प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो वो ब्राइट होंगे। और यहां पर सीरीज में थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, थोड़ा सा यहां होगा, तो उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी वर्किंग करने के लिए, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, If current flows through two lamps arranged in series, arranged in parallel, and the filament of one bulb breaks, what happens to the other lamp? Explain your answer. तो series में अगर bulbs connected होंगे तो अगर ये देखिए बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे bulbs होंगे, तो series में अगर एक का filament burn हो जाता है तो कोई भी bulb नहीं glow करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इन सीरीज द अदर लैंप स्टॉप ग्लोइंग, एंड इन पैरेलल अगर ये बल्ब्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, एंड सो ऑन, तो इस तरीके से बहुत सारे लगे हुए हैं, तो अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है, लेट अस से ये वाला खराब हो गया, मतलब उसका फिलामेंट बर्न हो गया, ठीक है, खराब हो गया, ब्रेक हो गया, तो अभी भी इसमें से करंट जाएगा और ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, तो ये तीनों बल्ब्स ग्लो करेंगे, ओके। तो इन पैरेलल द अदर लैंप कीप्स ग्लोइंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर, एक फिगर आपको गिवन है, ये देखिए कुछ इस तरीके का, ओके, ये ऐसे करके फिगर आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये ऐसा, ये ऐसा, ओके, ये ऐसे यहां पे ऐसे बना हुआ है, मतलब कुछ रीडिंग लिखी होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? द गिवन फिगर बिलो शोज अ वेरिएबल रेजिस्टर्स इन अ डिमर स्विच, ओके, डिमर स्विच,
ठीक है। तो देखिए ये जो आपको फिगर दिया है डिमर स्विच के रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, डिमर स्विच के रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं डिमर स्विच क्या होता है। आपने देखा होगा एलईडीज वगैरह में ये ऐसा एक लगा रहता है सर्कुलर शेप का, इसको आप ऐसे घुमाते हो, ओके, ये देखिए ये ऐसा इसको आप घुमाते हो, ठीक है। तो ये इसकी ब्राइटनेस आप यहां से चेंज कर सकते हो, ये बल्ब ऐसा करके ब्राइट होता है और फिर वो डिपेंड करता है आप कैसे घुमाते हो, वो भी हम देख ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे, जैसा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ब्राइटनेस घटती है, ठीक है। तो आप इससे बल्ब की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमर स्विच बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल तो हमको नहीं पढ़ना है, बट हाँ आपको थोड़ा सा इसमें ये पता होना चाहिए कि डिमर स्विच को आप कैसे कनेक्ट करोगे पैरेलल में, ओके। अब देखिए यही रीजन है कि मैंने यहां पे इसको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये डिमर स्विच कुछ ऐसा हो, चलो ऐसा बना लेते हैं, डिमर स्विच है डीएस डिमर स्विच, ओके। और ये बल्ब मैं लगा देता हूं, एक लगा लो या एक से ज्यादा लगा लो, ठीक है। अब देखिए भाई ये वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा घुमाता हूं तो ये जो निडल आप देख रहे हो इसकी रीडिंग जाएगी हाई 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज। तो ध्यान दें अगर इसको ऐसा मैं घुमाता हूं तो रेजिस्टेंस केवल इसका इंक्रीज हो रहा है, बट सारे कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, यस। तो ये यहां पे कीवर्ड है, आपको ध्यान देना है। फिर से सुनिए एक बार, अगर आप यहां से ऐसा रजिस्टर, अगर आप यहां से ऐसा राइट हैंड साइड ऐसा इसको घुमा रहे हो ऐसा टुवर्ड्स राइट, ठीक है, टर्न द स्विच टू द राइट साइड, अगर दो काम हम करेंगे, टर्न द स्विच टू द राइट साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बिकॉज ये अभी 4 पे ये सुनी और फिर 5 पे जाएगी, 6 पे जाएगी, 7 पे जाएगी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो देख रहे हो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही, किसके रेजिस्टेंस की, डिमर की, बट ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस का क्या होगा, पैरेलल में लगे हुए हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा इसको बढ़ाओगे आप उतना ज्यादा ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज। फिर से ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बट वो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये आपने रेगुलेटर भी लगाया 2 ओम, सॉरी डिमर स्विच भी 2 ओम का लिया, तो आंसर कितना देगा 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 टाइम से, तो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, एंड 2/3 इज 0. आंसर पता है ना, सीरीज पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R/N, R कितना है 2, कितने लगे 1 2 3, ये डिमर स्विच है, आंसर कितना आ रहा है 0.6। अब डिमर स्विच को बढ़ाकर मैंने 7 ओम कर दिया तो ये तो बढ़ गया, लेकिन आप इक्विवेलेंट निकालिए 1/R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/7, ओके। एलसीएम ले लीजिए 14 आएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई, 7 + 7 = 14 + 1 = 15, 15 / 4, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 14/15 डिवाइड करिए 15, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ओके, फिर से 0 लगेगा, सॉरी पॉइंट लगाया इधर 0 बढ़ाया, अब आप
इसको यस सिंपली इसको फटाफट डिवाइड कर लेते हैं तो इट विल बिकम, देखते हैं क्या वैल्यू आता है इसका, और ये 0.6 से कम आना चाहिए, 14 डिवाइडेड बाय 15, ओके ये आ गया 2 ओम से बढ़ाकर अगर हम 4 ओम कर देते हैं 4, तो आंसर विल बी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एलसीएम विल बी 4, ये 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 5/4 मींस 4/5, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4/5, 4/5 इज 0.4, ओके तो ये आप देख रहे हो R equivalent resistance क्या हो गया decrease, ओके तो overall circuit का resistance decrease हो जाएगा, और resistance decrease होने से क्या होगा कि circuit से current ज्यादा drawn करेगा, और current ज्यादा drawn करेगा तो इसको अपने proper working के लिए proper current मिल पाएगा, और इसको अपने proper working के लिए current मिल पाएगा, ओके तो अगर आपको ब्राइट करना है तो राइट, और इसी तरीके से अगर आपको डिम करना है बल्ब्स को तो किधर करोगे इसको, लेफ्ट साइड, डिमर स्विच को लेफ्ट साइड करने से क्या होगा ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज, और ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा सर्किट से कम ड्रॉन करेगा, करंट कम अगर ड्रॉन करेगा तो दोनों बल्ब को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा वर्किंग करने के लिए, इसलिए वो डिम हो जाएगा, ठीक है इसी का जस्ट उल्टा केस है, और इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर।